क्या बात है। सबसे पहले तुम अपना नाम बताओ बाबू, क्या नाम है तुम्हारा? अच्छा, अंशु बाबू फोर। कौन से क्लास में पढ़ते हो? फोर्थ में। बाप रे, चौथा क्लास में पढ़ते हो, इतना अच्छा गाना कैसे गा लेते हो? कहाँ सीखे हो, कहाँ किन से सीखे हो? पापा से। हाँ अच्छा, पापा से। पापा जी तुम्हारे गाते हैं क्या? हाँ और भी गाना आता होगा ना तुम्हें? अच्छा, तो पापा से कैसे सीखते हो तुम? पढ़ाई करते होगे, फिर साथ में कैसे सीख लेते हो बताओ? सीखते हैं पढ़ाई करके। अच्छा, पढ़ाई करके इसके बाद सीख लेते हो। हाँ अच्छा, सबसे पहले तुम कौन सा गाना गाए थे? तुम माँ कौन? शारदे मेरे सुर को सजा दे। अच्छा, पहला बार वही गाना गाए थे। अच्छा, हाँ वो याद है गाना? नहीं अच्छा, भूल गए हो। अच्छा, सबसे ज्यादा तुमको अपना गाना कौन सा अच्छा लगता है? गा तो दो लाइन। मेरी बीती उमरिया सारी हो मेरी बीती उमरिया सारी बुला लो बुला लो बुला लो वृंदावन गिरधारी बुला लो वृंदावन गिरधारी। क्या बात है, इतना अच्छा गाते हो। स्कूल में भी तो तुम फंक्शन में हिस्सा लेते होगे। हाँ तो 15 अगस्त बीत गया, 15 अगस्त में लिए थे? अच्छा, मैं गाए थे अपना क्लास में कौन सा गाना? वतन बालो वतन ना बेच देना वतन बालो वतन ना बेच देना अपने धरती गगन ना बेच देना अपने धरती गगन ना बेच देना। क्या बात है। अच्छा, गाना तुम कैसे याद करते हो? तुम तो बहुत, तुम्हारा उम्र बहुत छोटा है, कैसे गाना याद कर लेते हो? दिमाग से अच्छा, दिमाग से। तो मतलब लाइन, ये इतने सारे गाना का लाइनिंग होता है अलग, हर गाने का अलग होता है, स्केल अलग होता है, टेम्पो अलग होता है, तुम्हें कैसे समझ लेते हो, फिर कैसे याद करते हो? ये तो बहुत टफ चीज़ है, कैसे याद करते हो? समझ लेते हैं फिर याद कर रहे हैं। अच्छा, मतलब समझते हो गाने को फिर याद करते हो। हाँ अच्छा, तो कभी कभी ऐसा होता होगा कि कभी इतने सारा गाना याद रखते हो भूल जाते होगे कभी, तो कैसे याद करते होगे? फिर कैसे याद आ जाता है कि नहीं, इस गाने के ही लाइन है? कैसे समझ में आता है तुम्हें? डायरी में लिख के रखते हो? हाँ डायरी में। और आप अच्छा राग भी बजाते हो ना, राग? हाँ अच्छा, बंदी सुना। माधुरा माधुरा दूना मुरली बजाबे माधुरा माधुरा दूना मुरली बजाबे कुबरा कन्हैया दीठ लंगरवा मधुरा माधुरा दूना मुरली बजाबे धुना सुना सखिया री जय उना पर वाले बाले भू ले सब धुना सुना वाले बाले भू ले सब धुना सुना मधुबना बीच जब ताने सुनाबे मधुबना बीच जब ताने सुनाबे मधुरा मधुरा धुना मुरली बजाबे मधुरा मधुरा धुना मुरली बजाबे। क्या बात है। अच्छा, क्लासिकल सीखते हो, राग का बंदिश भी गाते हो। अच्छा, भोजपुरी गाना, मगही गाना जब गाते हो, दोनों गाने में कौन अच्छा लगता है? क्लासिकल गाना तुम्हें अच्छा लगता है या भोजपुरी मगही गाना अच्छा लगता है? दोनों दोनों अच्छा। सबसे ज़्यादा कौन तुम्हारा जो खास है, जो फेवरेट तुम्हारा कौन सा है? क्लासिकल शास्त्रीय संगीत या फिर ये भोजपुरी, ये फोक गाते हुए, दोनों। मतलब दोनों तुम्हारा रुचि है? अच्छा, तो क्लासिकल पापा से सीखते हो और हारमोनियम भी बजाते हो क्या? वाह, क्या बात है। मतलब हारमोनियम भी सीख रहे हो पापा से ही, हाँ। और अभी 4th क्लास में पढ़ रहे हो, इतना गाना याद कर लेते हो, इतना अच्छा गाते हो। और तुम कौन सा गायक को तुम अपना आदर्श मानते हो? किनका सुन के गाना सबसे ज़्यादा तुमको अच्छा लगता है? किनका गाना सुन के तुम्हें सीखने को मिलता है? किनका गाना सबसे ज़्यादा सुनते हो? टीवी में सुनते हैं अच्छा, टीवी में सुनते हो, तो टीवी में रियलिटी शो वगैरह भी देखते होगे, इंडियन आइडल वगैरह, सारे गम है सब? नहीं अच्छा, तो फिर कौन सा गाना मैं सुनते क्यों हो? बोलूं हिंदी गाना कौन सा गाना? कोई भी याद रहता है थोड़ी। अच्छा, बहुत सारा गाना होता है, याद नहीं रहता है ना। अच्छा, तो सबसे ज़्यादा तुमको हिंदी सिंगर पसंद आते हैं या भोजपुरी सिंगर? दोनों दोनों पसंद आते हैं। दो लाइन सुना दो।
तेरे जाने का गम और ना आने का गम, फिर जमाने का गम क्या करे। राह देखे नजर रात भर जाग कर, पर तेरी क्यों खबर न मिले। बहुत आई गई यादे, मगर इस बार तुम्हें आना इरादे, फिर से जाने को नहीं लाना तुम्हें आना। क्या बात है। अच्छा, स्कूल में जब गाना गाते हो तो प्राइज में तुमको तो ट्रॉफी वगैरह मिलता होगा। कितना बार जीते हो अभी तक ट्रॉफी वगैरह? बहुत बार जीते ट्रॉफी मेडल। अच्छा, नहीं खाने वाला ट्रॉफी जीते हो कि ये ट्रॉफी? नहीं, ट्रॉफी भी मिलता होगा स्कूल में बच्चों लोग को, तुम्हें भी मिलता होगा जीते हो। ट्रॉफी ट्रॉफी टॉफी मिलता है, डेरी मिल्क हो गया, मिलता है ना 15 अगस्त को। तो फिर तो बहुत इंजॉय करते होगे गाना गा के कि चलो आज खुश है हमको मिला खाने के लिए, है ना। अच्छा, अभी तुम आगे क्या क्या अपना प्लान बनाया हो, फ्यूचर में कैसा सिंगर बनना चाहते हो? अभी सोचे कैसा भी? कैसा भी अभी सोचे नहीं हो? नहीं, मतलब अभी गाना गाने गाते रहना है, जो बनना होगा बनेंगे, है ना। हाँ। अच्छा, तो पापा से सीखते हो तो डर भी लगता होगा, होमवर्क नहीं पूरा करते होगे तो डांटते कि नहीं पापा? हाँ। पापा डांटते हैं। हाँ। अच्छा, पढ़ाई करने में मन लगता है या गाने में? दोनों में। दोनों में सबसे ज्यादा किस में मन लगता है? दोनों में। दोनों में मन लगता है। हाँ। मतलब दोनों तुम्हारे लिए बराबर है। अच्छा, तो पापा जी से तुम क्लासिकल सीखते हो, भोजपुरी भी पापा से सीखते हो मगही? इतना हाँ। गाना अभी जितना गाना गाया सब पापा जी ने सिखाया है। हाँ। तो पापा जी क्लास चलाते हैं क्या? हाँ। अच्छा, तो साथ और भी बच्चे होते होंगे सीखते होंगे, तो सबसे अच्छा कौन गाता है क्लास में? हम। अच्छा, तुम ही गाते हो? पापा सही है, तुम्हारा आवाज़ देख कर लग रहा है। अभी अपना कोई गाया हुआ गाना तुमको याद है? गे छौड़ी साबन में कले सोमवारी, दुल्हानी मन मिलतौगे। गे छौड़ी साबन में कले सोमवारी, दुल्हानी मन मिलतौगे। कि दुल्हानी मन मिलतौगे, कि दुल्हानी मन मिलतौगे। किसी बपे जलवा तू चढ़ा ले, जिंदगी खिलल रहतौगे। ये छौड़ी साबन में कले सोमवारी, दुल्हानी मन मिलतौगे। लेके रोड़ी धथुरबा भांग भोला से, दुल्हाली हे मांग। ये छौड़ी दुल्हाली हे मांग, कि मन में भोला के तू सुमर ले, किस्मत बनल रहतौगे। गे छौड़ी साबन में कले सोमवारी, दुल्हानी मन मिलतौगे। क्या बात, ये भी तुम्हारा बोलबम में गीत आया था। हाँ। कैसा रिस्पांस मिला था? अच्छा। कितना व्यू गया है? 6 मिलियन। हाँ। अरे बाप रे, 6 मिलियन गया व्यू? वाह, तो तुम तो काफी पॉपुलर हो गए अपने स्कूल में, सब बच्चे लोग जानते होंगे कि अंश बहुत अच्छा गाना गाता है। जानते हैं। अच्छा, तुमको स्कूल में गाने की वजह से जाना जाता है कि पढ़ाई लिखाई की वजह से जाना जाता है? दोनों। दोनों की वजह से। गाने की वजह से लोग ज्यादा जानते हैं ना? हाँ। गाने की वजह से ज्यादा लोग जानते हैं। अच्छा, घर में तुमको सबसे ज्यादा कौन सपोर्ट करता है गाने के लिए, पापा या मम्मी? पापा। मम्मी नहीं सपोर्ट करती है? मम्मी पढ़ने के लिए बोलती होंगी। ठीक से जवाब दो। हाँ। मम्मी पढ़ने के लिए बोलती है। अच्छा, पापा सपोर्ट करते हैं। अच्छा, आगे बड़े होकर अच्छा सिंगर बनना चाहोगे, हिंदी में गाना चाहोगे, कुछ सोचे हो कि नहीं? नहीं, हम तो नहीं सोचते हैं। अच्छा, मतलब बड़ा होकर सिंगर बनना है, इतना सोचे होगे ना? हाँ। चलो, बहुत अच्छा लगा बात करके अंश। जाते जाते क्या बोलना चाहोगे दर्शकों से, कुछ बोलना चाहोगे अपने गाने के लिए? सबसे पहले मैं अंश बाबू आप सभी श्रोता दर्शकों को प्रणाम करता हूँ। मेरा गाना सुनिए और प्यार दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद अंश।